आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड। है ना, अपन को ऐसे डिवाइस का नाम बताना है जो कि इरेगुलर सॉलिड्स की वॉल्यूम को मेजर करने में हेल्प करता हो। देखो, अगर सॉलिड रेगुलर सॉलिड है, मान लो जैसे क्यूब है, स्पीयर है, या फिर अपना स्पीयर है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, इस तरीके से है, तो उसमें तो अपन स्क्रू, गॉज या फिर वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं उनकी वॉल्यूम्स को। है ना, कैसे, क्योंकि अपन को ये पता है कि जैसे मान लो कोई स्पीयर है, तो स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। अब 4/3 πr³ होता है, तो रेडियस तो अपन स्क्रू गॉज से मेजर या वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं। है ना, लेकिन अगर इरेगुलर है, जैसे मान लो कोई इस तरीके से कोई वॉल्यूम वाला है, तो उसका कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं मेजरिंग जार। और जो मेथड यूज आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। है ना, बहुत इजी है, जितना नाम इसका हार्ड है उतना हार्ड नहीं है। कैसे करते हैं अपन, देखो सबसे पहले क्या होता है, एक ये मान लो ये कोई रीडिंग्स लिखी हुई, ये जार होता है, है ना, एक ओवल सर्कुलर शेप का जार होता है ये, है ना, जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। एक मान लो यहाँ 40 मिलीलीटर तक, ये 10-20 ऐसे करते हुए 40 मिलीलीटर तक पानी भरा हुआ है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसमें थ्रेड से, ये थ्रेड है, इसमें मैं वो ऑब्जेक्ट डाल दूंगा, है ना, थ्रेड से बांध के। अब क्या होगा, ये जब इसके अंदर जाएगा तो ये कुछ डिस्प्लेस करेगा पानी को। अब मान लो जो वाटर है वो इस लेवल तक आ गया, पहले जब मैं देख रहा था वो इस लेवल तक था और अब पानी इस लेवल तक आ गया, है ना। ये डालने के बाद मेरा पानी यहाँ तक आ गया, ये मान लो 40 था, ये 60 ml तक आ गया, है ना। तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई, इसकी वॉल्यूम हो गई 20 ml। कैसे हुई, क्योंकि 40 और 60 माइनस 40 हो गया अपना 20 ml। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं कि कितना डिस्प्लेस किया है उसने पानी को, पानी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वाटर का, उससे अपन निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड, जो कि मेजरिंग जार में यूज आता है। है ना, यहाँ वापस रीडिंग्स लिखी हुई होगी, इस रीडिंग से अपन जैसे 0, 10, 20 इस तरीके से लिखा हुआ होगा कुछ, है ना, 0 नीचे होगा, सॉरी, है ना, और 10, 20, 30 ऐसे इस तरीके से होगा। तो अगर ऐसा अपन निकालना चाहे तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट मेथड से अपन इरेगुलर सॉलिड्स के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, है ना। और बाकी रेगुलर के लिए तो स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर है। थैंक यू गाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।